आप सबका रुक्मिणी प्रकाशन में स्वागत है। आज हम लोग वॉल्यूम 3, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि रेलवे का ये सेट प्रैक्टिस है, वॉल्यूम 3 है, ठीक है, वॉल्यूम 3 यहाँ पर लिखा हुआ, तो इसी बुक का आपका सेट 1 का आज हम लोग मैथ का डिस्कशन करेंगे और एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्लस में ये भी देखेंगे इसमें सभी क्वेश्चन को हम एग्जाम के व्यू से भी बताएंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि जल्दी में किस तरह से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, आंसर आप दे सकते हैं, प्लस में कंसेप्ट भी होगा तो एक दो कंसेप्ट पर भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला आपका सेट 1 का क्वेश्चन आपका फर्स्ट दिया गया है। सेट 1 में जो क्वेश्चन नंबर 15 है तो उसमें मैथ का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वर की भुजा में, वर की क्या कहा जा रहा है कि वर की भुजा में, कहा जा रहा कि वर की भुजा में के परसेंट की वृद्धि होने के कारण वर के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि होती है, तो के का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, इस तरह का जब भी क्वेश्चन है तो बाय ऑप्शन से आपको बनाना है, ठीक है। तो एरिया में आप लोग को पता है कि अगर भुजा में अगर के परसेंट का इंक्रीज करता है तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट इंक्रीज करेगा, तो उसके लिए एवी फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो एवी फॉर्मूला क्या होगा, तो एवी फॉर्मूला आपका होता है क्या, तो ए परसेंट प्लस क्या बी परसेंट प्लस क्या ए इंटू बी बाई 100%, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे, तो ये क्वेश्चन बाई ऑप्शन से हम लोग अगर सोल्व करते हैं तो जल्दी में आपका बनेगा। तो आपको 30% तो प्लस कितना होगा 30, अब प्लस 30 गुने कितना 30 बटा कितना 100, ठीक है, सोल्व करते हैं तो ये कितना होगा 30 कितना हो गया 60 और 3 9 मतलब 69% होगा, तो आपका आंसर क्या होगा ए होगा, ठीक है। कितना जल्दी में देकर आप आंसर दे सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए इसी को हम लोग देखते हैं और दूसरे तरीके से भी देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि आपका कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि कोई एक वर्ग है, ये क्या है वर्ग है, ठीक है। वर्ग का अगर है तो इसका साइड आपका वर्टेक्स दे रहा है ए बी सी दे रहा है आपका, ठीक है। तो वर्ग में क्या होता है कि सभी भुजा बराबर होता है, सभी भुजा क्या होता है बराबर होता है, सभी भुजा बराबर होता है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर के परसेंट इसमें इंक्रीज कर दिया गया, के परसेंट तो ये साइड में के परसेंट इंक्रीज, तो सभी साइड में के परसेंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना होता है, हम लोग का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है, तो भुजा गुने भुजा होता है, भुजा गुने क्या होता है भुजा होता है, ठीक है। तो भुजा गुने भुजा, तो यहां पर क्या चीज का केस है, गुना का केस है। तो एवी फॉर्मूला कहां पर यूज किया जाता है, तो जहां पर गुना का भी केस रहता है वहां पर भी एवी फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इस कारण से यहां पर भुजा में 30% इंक्रीज और यहां पर भी भुजा में कितना परसेंट 30% इंक्रीज, और एवी फॉर्मूला का यूज करते हैं तो यहां पर भी प्लस है यहां पर भी प्लस है, तो यहां पर क्या होगा प्लस कितना हो जाएगा 30 गुने 30 बटा 100, इसको कट करेंगे तो आपको कितना होगा 30 30 60 होगा और 3 9 मतलब 69%, जो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कितना 69% इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग लेकर चले तो कितना आ गया 69% ए पहला ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए इसको अगर जनरल तरीका से बनाए तो देखिएगा कि कितना आपका टाइम लेगा, ठीक है। जनरल तरीका का भी हम लोग यूज करते हैं इसका, ठीक है। चलिए जनरल तरीका से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो कोई आपका ये जो दे रहा था वर्ग है इसमें कितना के परसेंट इंक्रीज, तो हम लोग अगर के परसेंट यूज करें, के परसेंट इंक्रीज प्लस कितना के परसेंट इंक्रीज प्लस के इंटू के बाई 100 इक्वल टू कितना होगा 69%, कितना 69%। अब देखिए परसेंटेज 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 सभी में परसेंटेज है कैंसिल हो जाएगा, तो के कितना हो जाएगा 2k प्लस के स्क्वायर बाई 100 इक्वल टू 69। अब यहां पर इसको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा के स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 200 के माइनस कितना आ जाएगा 6900 इक्वल टू क्या 0। अब देखिए यहां पर हम लोग को जो आ रहा है ये क्या आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, और आपको पता है बनाते होंगे मैथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक करना थोड़ा सा
टाइम लेता है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट अगर ले लिए, अगर आ गया समझ में आ गया कि क्या इसका ब्रेक होगा, तो इजी से बन जाएगा, नहीं तो कभी कभी ब्रेक होने में क्या होता है, टाइम लगता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपको पता है कि सम करने पर कितना होना चाहिए 200, और एड या सबट्रैक्ट करने पर आपको आ जाना चाहिए कितना 200, और मल्टीप्लाई करने पर -6900 आना चाहिए। ब्रेक करने तो आता है आपको, तो इसको अगर लिख देते हैं 230 -30 करेंगे, ठीक है। तो ऐड करने पर 200 और मल्टीप्लाई करने पर -6900 आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। तो ब्रेक आपका हो गया यहां पर, यहां पर कितना आ गया के स्क्वायर प्लस 230 के माइनस 30 के माइनस 6900 इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। तो k कॉमन करेंगे तो कितना आएगा k प्लस 230, ठीक है। अब माइनस 30 कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको k प्लस कितना हो जाएगा 230, ठीक है। तो यहां पर 230 k प्लस 230 कॉमन हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा आपका k बचेगा, और यहां पर माइनस 30 इक्वल टू क्या जीरो, ये आया। तो यहां पर हम लोग आइदर और क्या केस लेते हैं, या तो ये जीरो होगा, ये जीरो होने के लिए k का वैल्यू कितना आ जाएगा -230, या k का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां पर 30। तो माइनस वाला आपका आंसर नहीं होगा बल्कि प्लस वाला होगा, तो k आपका आंसर क्या चीज आएगा a, पहला नंबर, ठीक है। तो अब देखिए इस प्रोसेस से अगर बनाएंगे तो टाइम आपका ज्यादा लगेगा, लेकिन कंसेप्चुअल अगर बनाते तो पहला अटेम्प्ट जो लिए थे बाय ऑप्शन से उससे जल्दी से आपका बन जाएगा, क्लियर है, आया बात समझ में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से आपको बनाना है। तो यहां पर देखिए आपके पास जो लिखा गया है, दिया गया है क्या कि एक्स इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90, ठीक है, और तथा 7y के पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 2y के पावर माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू y के पावर 1 बाई 2, x तथा y धनात्मक संख्या मतलब पॉजिटिव संख्या है, तो आपको वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन अलजेब्रा में हीट एंड टाइल मेथड का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो अपने से दिमाग से सोचिए कि x का वैल्यू क्या ऐसा पुट करे कि सॉल्व करने पर 90 आ जाना चाहिए, जल्दी में आ सकता है, प्रैक्टिस अगर थोड़ा सा कीजिएगा तो जल्दी में आपका आंसर आ सकता है। अगर मान लीजिए x का वैल्यू अगर 5 लेते हैं, ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा 5 2 इंटू 5 प्लस कितना आ जाएगा 30। तो देखिए तो 5 10 3 13, 5 गुने कितना आएगा 13, 65, लेकिन यहां पर है कितना 90, इसलिए x का वैल्यू 5 आपका नहीं होगा, ठीक है। अब हम समझा रहे हैं, यहां पर x का वैल्यू अगर 6 लिखेंगे तो 6 इंटू आपका 2 इंटू 6 प्लस 3, देखते हैं कितना आता है, तो 6 इंटू कितना 12 3 कितना 15, कितना आ गया 90 आ गया ना, 90 कहा जा रहा था, इसका मतलब x का वैल्यू हम लोग को कितना आ गया 6 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 6, ठीक है। लेकिन अगर सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू निकालने में आपको क्या लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए आप हीट एंड टाइल मेथड का यहां पर यूज कीजिए, ठीक है। दूसरा बात, यहां पर अगर बात करें माइनस में है तो प्लस में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, और ये इसको अगर देखा जाए वाई के पावर माइनस 1 बाई 2 वाई के पावर माइनस 1 बाई 2 दोनों तो क्या है बराबर है, तो कॉमन करेंगे तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, मतलब 9 वाई के पावर माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू वाई के पावर 1 बाई 2, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 9 बाई वाई के पावर कितना 1 बाई 2 इक्वल टू वाई के पावर कितना 1 बाई 2, तो 9 इक्वल टू वाई के पावर 1 बाई 2 इंटू वाई के पावर कितना 1 बाई 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता है गुना में पावर को जुटता है, गुना में पावर जुट जाएगा, तो 9 इक्वल टू आपका कितना आ गया y, y का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। आप लोगों को ये प्रॉपर्टी पता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर x का वैल्यू कितना आया 6 आया, y का वैल्यू कितना आया 9, तो हम लोग को वैल्यू निकालना था क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू निकालना था, मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर का मतलब 36 हुआ
और 81 तो कितना हो गया, ऐड करेंगे तो 117 आया, जो कि ऑप्शन कौन सा, सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आया बात समझ में। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको बाई ऑप्शन से नहीं जाएगा, बल्कि आपको हीट एंड ट्रायल मेथड में आपको यहां पर प्रूव करना है, जल्दी में आपको सोल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को कहा जा रहा है 17 नंबर में कि समानांतर चतुर्भुज एबीसी के बीकर्ण बीडी की लंबाई 36 सेंटीमीटर, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एडीसी का केंद्रक क्रमशः पी क्यू है, तो कहा जा रहा कि पी क्यू की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग, तो कहा जा रहा कि समानांतर चतुर्भुज है, तो समानांतर चतुर्भुज बना लेते हैं एक। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज ए है, बी सी डी, समानांतर चतुर्भुज हो गया। बीडी की लंबाई, बीडी की लंबाई, बीडी की लंबाई आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, बीडी की लंबाई आपके पास जो दिया गया है कितना दे रहा है, 36 सेंटीमीटर दे रहा है। बीडी का लंबाई कितना, 36। अब कहा जा रहा कि त्रिभुज ए बी और एडीसी का केंद्रक त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज आपको बनाना होगा। ठीक है, त्रिभुज बनाना होगा, तो त्रिभुज के लिए ऐसा लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, तो आपको त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी, ठीक है, तो ए बी सी का केंद्रक यहीं पर होगा। यहां पर केंद्रक क्या बोल रहा है, पी बोल रहा है, केंद्रक क्या, पी। ठीक है, केंद्रक पी, और फिर कहा जा रहा क्यू, इसका ए डी सी का केंद्रक कितना कहा जा रहा, क्यू कहा जा रहा, तो यहां पर हो गया क्या, हो गया क्यू हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा पी क्यू की लंबाई बताना है, मतलब ये आपको लेंथ बताना है, यहां से लेकर यहां तक का लेंथ आपको बताना है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का लेंथ आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर बात करें, यहां पर ले लेते हैं अपने मन से ओ। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर इस तरह का समानांतर चतुर्भुज जो रहता है, समानांतर चतुर्भुज विकर्ण जहां पर कट करता है तो दोनों इक्वल पार्ट में विकर्ण कट करता है। ठीक है, तो यहां पर ये लेंथ अगर लेंगे, इसको अगर लेंथ को लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, आधा आधा, क्योंकि यहां पर ये क्या होता है, मध्य बिंदु होता है, ये क्या होता है, मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु। ठीक है, क्या होता है, मध्य बिंदु, वो क्या है, मध्य बिंदु, इसलिए टोटल था 36, इसलिए 18 और 18। ठीक है, और केंद्रक है, ये क्या है, केंद्रक है, केंद्रक है, तो आप लोगों को प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि केंद्रक हमेशा आपको उस माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, कितना, 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 रेशियो हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब डी क्यू इज टू क्यू ओ का रेशियो कितना, 2:1, 2:1, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना रेशियो, 3:3 बराबर 18 सेंटीमीटर दे रहा, तो 1:1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, 1:1 बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर। तो आपको ओ क्यू कितना आ गया, ओ क्यू आ गया कितना, 6 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से अगर निकालेंगे ओ पी भी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आएगा ना। तो हम लोग को पी क्यू जब निकालेंगे तो 6+6 कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन कौन सा, सी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फिर से समझते हैं इसको। ठीक है, देखिए थ्योरम को पहले समझिए, यहां पर कोई समानांतर चतुर्भुज है,
ठीक है। कोई समानांतर चतुर्भुज ले लेते हैं, ए बी सी डी। प्रॉपर्टी को समझिएगा, अगर इसका दो डायगोनल है, ठीक है, दो डायगोनल है, एक ये डायगोनल हो गया, दूसरा का अगर ले लेते हैं ये डायगोनल, तो ये डायगोनल क्या ओ होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, ये क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट होता है, क्या होगा, मध्य बिंदु, क्या होगा, मध्य बिंदु, ठीक है। चलिए एक और ट्रायंगल अगर ले लेते हैं, कोई ट्रायंगल अगर लेते हैं इसमें ए बी सी, ठीक है, ये क्या हो गया डी, अगर यहां पर केंद्रक है, क्या है, केंद्रक है, तो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं कि ये किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में ब्रेक होता है, 2:1 में ब्रेक होता है, 2:1 में ब्रेक होता है। अगर ये केंद्रक है तो ये मीडियम को, माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, एकदम प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा था, ठीक है, कि अगर मान लेते हैं कि टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ मान लेते हैं एक्स है, टोटल लेंथ मान लेते हैं एक्स है, मतलब बी डी अगर एक्स है, ठीक है, तो डी ओ या ओ बी आपस में बराबर होगा तो एक्स बाई टू होगा, एक्स बाई कितना होगा, टू होगा, ठीक है, तो ओ डी कितना होगा, एक्स बाई टू, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा था कि त्रिभुज ए बी सी का मध्य बिंदु पी है, मध्य बिंदु पी है, ठीक है, तो अगर ओ बी मेरा, ओ बी अगर मेरा कितना है, एक्स बाई टू, यहां पर लिखा हुआ था कितना, एक्स बाई टू, तो ये किस रेशियो में कट करेगा, तो 2:1 में कटेगा, 2:1 में कटेगा, ठीक है। मतलब आप लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं ओ पी रेशियो पी बी इक्वल टू कितना, आपको ओ बी मतलब 1:2 कितना, 2, तो ऐड करेंगे तो 3 बराबर कितना होगा, एक्स बाई 2, तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बाई 6, एक्स बाई कितना आ गया, 6, ठीक है। मतलब आपका ओ बी ओपी जो है ये कितना आ गया, ये आपका आ गया एक्स बाई 6 आ गया, एक्स बाई 6 आया, कितना, एक्स बाई 6 आया, ठीक है। अगर इसमें अगर मिड पॉइंट अगर है क्या क्यू, तो ये कितना है एक्स बाई, ये कितना है आपको डी ओ कितना है, एक्स बाई 2 है, एक्स बाई 2 है ना, तो इसको अगर क्यू है मतलब डी डी क्यू रेशियो क्यू ओ किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में, तो ऐड किए तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बाई 2, ठीक है, तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बाई 6 होगा, ठीक है, एक्स बाई 6, तो ये भी कितना आ गया आपका, एक्स बाई 6 आ गया, एक्स बाई 6। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना क्या है, तो यहां पर देखिए हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना क्या था, निकालना था Q, मतलब पी क्यू निकालना था, तो इसको लिख सकते हैं क्यू ओ प्लस ओ पी, तो इसका वैल्यू कितना आया, एक्स बाई 6 प्लस एक्स बाई 6, एड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स बाई 3, एक्स बाई 3, मतलब पी क्यू इक्वल टू कितना हो गया, एक्स बाई 3, एक्स बाई 3। तो ये अगर प्रॉपर्टी याद है तो x का वैल्यू, x का क्या, हम डायगोनल लेकर चले थे, डायगोनल लेकर चले थे, तो क्या हो जाएगा, 36/3 मतलब कितना, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है, ठीक है, कि जो डायगोनल जो दिया गया, विकर्ण जो दिया गया है, विकर्ण जो दिया गया है, ठीक है, और उसका मध्य बिंदु अगर पूछता है तो डायरेक्ट कितना, 36/36 हम लोग कितना करेंगे, 3, कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। ये अगर प्रॉपर्टी याद है तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है।
समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर में क्वेश्चन में कहा जा रहा कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसके बाह्य त्रिज्या और अंतर त्रिज्या का अंतर निकालें। तो सबसे पहले अगर भुजा जो दिया गया, जल्दी में कैसे बनाएंगे, भुजा जो दिया गया है तो ऊंचाई निकाल लेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे? ऊंचाई। ऊंचाई जब निकालेंगे तो ऊंचाई आप लोगों को फॉर्मूला पता है, रूट थ्री बाय टू इंटू क्या होता है, भुजा होता है। तो कितना हो गया, रूट थ्री बाय टू इंटू भुजा कितना दे रहा है, 12 सेंटीमीटर। तो 12 कट करेंगे तो 6, मतलब 6 रूट थ्री ऊंचाई, 6 रूट थ्री। ठीक है, तो आपको ऊंचाई में ही आपको पता है कैपिटल आर और स्मॉल आर। कैपिटल आर का मतलब क्या है, बाह्य त्रिज्या, और स्मॉल आर का मतलब क्या, अंतर त्रिज्या। ठीक है, तो किस रेशियो में होता है, 2:1। ठीक है, तो टोटल हुआ कितना, 3। 3 रेशियो बराबर कितना हो गया, 3 रेशियो बराबर 6√3 आ गया। तो 1 रेशियो बराबर 2√3। तो कहा जा रहा कि उनका अंतर निकालना है, तो ये दोनों का अंतर कितना हुआ, अंतर कितना हो जाएगा, अंतर आपका 1 रेशियो, तो 1 रेशियो बराबर कितना आ गया, 2√3। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन कौन सा, सी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है, अब इसी को समझते हैं। ठीक है, एग्जाम के व्यू से इस तरह से आपको बनाना है। अब समझते हैं, यहां पर अगर मान लेते हैं कोई समबाहु त्रिभुज है, क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समझ लीजिए डायग्राम। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि इसमें आपका एक बाह्य, बाह्य का मतलब बाह्य आपका एक सर्किल होगा, वृत्त होगा, और एक अंदर की तरफ, अंदर की तरफ बनाते हैं, एक अंदर की तरफ आपका बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर दो त्रिभुज आपको वृत्त बना, तो इसका अगर सेंटर जो है ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहां से लेकर यहां तक इसको क्या होगा, कैपिटल आर। ठीक है, और ये क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, स्मॉल आर। क्या होगा, स्मॉल आर। ठीक है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, याद रखिएगा कि अगर ए बी सी समबाहु त्रिभुज है तो ये पॉइंट को जो हम लोग कहेंगे वो केंद्रक भी होता है। ठीक है, मध आपको केंद्रक भी होता है, केंद्र भी कहा जा सकता है इसको। ठीक है, लंब केंद्र भी बोल सकते हैं, लंब केंद्र, परिकेंद्र भी बोल सकते हैं, परिकेंद्र, और अंतः केंद्र, अंतः केंद्र, ये सभी एक ही बिंदु पर होता है समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, तो आपको बताइए कि ये माध्यिका है, केंद्रक अगर हो गया, केंद्रक हो गया तो किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। समद्विबाहु त्रिभुज का ये ऊंचाई के लिए फॉर्मूला आपका होता है, ऊंचाई, ऊंचाई के लिए फॉर्मूला आपका होता है कितना, √3/2 इंटू साइड, मतलब 12 सेंटीमीटर कट किए थे तो कितना आ गया, 6। तो ऊंचाई में ही आपका क्या होगा, आर और आर होगा, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर 2:1 ऐड किए, 3 रेशियो बराबर 6√3, तो 1 रेशियो बराबर 2√3। तो एक में निकालना था, इसका अंतर कितना निकालना था, 1, तो 1 बराबर आपको कितना आ गया, 2√3। ठीक है, अगर कैपिटल आर कहता क्वेश्चन में कि बाह्य त्रिज्या निकाले, तो 1 रेशियो बराबर 2√3, तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 4√3। अगर अंतर त्रिज्या अगर कहता तो अंतर त्रिज्या कितना, 1 रेशियो बराबर है ना, तो 1 रेशियो बराबर कितना दे रहा है, 2√3 आ जाता। आया बात समझ में, जो पूछेगा इससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि साइन −π/3 कॉस −π/6 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर एक प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए कि साइन
माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। और कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, प्लस कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है माइनस, तो इसको लिख सकते हैं माइनस, बाहर कर सकते हैं पाई बाई कितना थ्री, और प्लस ये कॉस में माइनस है तो प्लस रहेगा, तो कॉस आपका कितना हो जाएगा पाई बाई सिक्स, ठीक है। तो पाई का मतलब 180 बटा 180 बटा कितना करेंगे तीन, डेट मीन्स कितना आएगा 60, मतलब माइनस साइन 60 डिग्री और प्लस ये 180 बटा 6, तो कॉस कितना होगा 30 डिग्री। तो माइनस साइन 60 का वैल्यू कितना होता है रूट थ्री बाई टू और प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू, दोनों कट कर कितना आ जाएगा जीरो। ऑप्शन कौन सा ए आपका सही होगा। आया बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 में कहा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 होगा। इसका आंसर क्या होगा 8 होगा, क्यों, तो क्योंकि ये जो है 2 के स्क्वायर होता है, ये 6 के स्क्वायर कीजिएगा तो 36, या 4 के स्क्वायर भी कीजिएगा तो 16 आएगा। इमीडिएट पर 6 आ सकता है, 9 आ सकता है, ठीक है। लेकिन आपको अगर इस सब को याद रखना होता है, ठीक है, जैसे कि 1 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, 2 के स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 4, 3 के स्क्वायर करते हैं तो 9, 4 के स्क्वायर करते हैं तो 16, 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना 25, 6 के स्क्वायर करते हैं तो कितना 36, ठीक है, 7 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49, 8 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 64, 9 के स्क्वायर करेंगे तो कितना 81, 10 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा कि इकाई अंक, क्या चीज इकाई अंक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इकाई अंक नहीं हो सकता है, तो यहां पर देखिए तो इकाई अंक को अगर बात करें तो यही ना इकाई अंक होगा, या ये होगा इकाई अंक। तो इसमें देखिए तो इकाई अंक ये देखिए तो 4 है तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, यहां पर 6 है, 6 है नहीं होगा, 9 है ना यहां पर तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, 8 देखिए तो कहीं पर 8 नजर है नहीं होगा, ठीक है। तो इकाई अंक पर कौन कौन नहीं हो सकता, तो आपको 8 भी नहीं हो सकता है, 7 भी नहीं हो सकता है, 2 का भी देखिए तो 2 है इसमें 2 भी नहीं हो सकता है, 3 भी नहीं हो सकता है, ये 3 इसमें नजर आ रहा नहीं, ठीक है। तो ये सब आपका इकाई अंक पर नहीं हो सकता, या तो 8 के जगह पर 7 देता था वो आंसर 7 होता, 2 भी होता, 3 भी होता, लेकिन इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा 8, तो यही आपका ऑप्शन होगा। क्लियर है, आया बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा कि एक व्यक्ति ने अपनी कलम 24 रुपया में बेची, उसका लाभ प्रतिशत संख्या अनुसार क्रय मूल्य के बराबर था, तब क्रय आप कलम का क्रय मूल्य क्या था, कलम का क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा कि क्या था, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर बनाना है तो बाई ऑप्शन से बनाइए, देखिए जल्दी में आ जाता है, ठीक है। तो अगर जितना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, यहां पर क्या पूछा गया क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य ही है ये, अगर सीपी अगर है तो 12 लाभ कितना होगा 12%, तो 12% निकालिएगा तो 1.44 आएगा, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13.44 आ रहा है, ठीक है। क्या 24 आ रहा है, नहीं है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। इसका अगर 20% निकालेंगे, 20% निकालेंगे तो 4 आएगा, और 4 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 24, इसका मतलब यही आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एग्जाम के व्यू से बाई ऑप्शन से आपको बनाइएगा तो बेटर रहेगा, क्लियर है। अब चलिए इसका प्रोसेस हम लोग देखते हैं, प्रोसेस से जाइएगा तो टाइम आपका लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन एक और आपको बता रहे हैं यहां पर ट्रिक आपको बता रहे हैं ना, इसके लिए आपको अगर लाभ होता है, क्या है लाभ रहता है, तो सीपी निकालने के लिए 10 रूट अंडर एक्स प्लस 25 माइनस 50, यही आपका ट्रिक है,
इसको याद रखते हैं, जब भी अगर क्रय मूल और लाभ संख्या रूप से क्या रहे बराबर हो तो ये यूज करते हैं। अगर हानि के लिए अगर बात करें तो हानि के लिए आपका होता है सीपी निकालने के लिए क्या होता है तो 50 प्लस माइनस रूट अंडर, यहां पर 10 होगा, रूट अंडर एक्स माइनस 25, एक्स माइनस क्या 25, ठीक है। ये हानि के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या लाभ के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इस पर भी अगर बनाएंगे तो देखिए यहां पर अगर कितना दे रहा है विक्रय मूल, एक्स क्या है जहां जहां याद रखिएगा जहां एक्स क्या होगा तो विक्रय मूल होगा, क्या होगा विक्रय मूल होगा, एक्स क्या होगा विक्रय मूल होगा, ठीक है। तो एक्स के जगह पर अगर 24 पुट करते हैं, एक्स के जगह पर 24 अगर पुट करते हैं तो 24 और 50 कितना हो जाएगा 49, 49 का रूट अंडर करेंगे तो कितना आएगा 7, तो 7 गुने 10 मतलब 70 और माइनस कितना 50 बराबर कितना हो गया 20, यही ना था आंसर, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला याद है, ये ट्रिक याद है, इससे भी बनाइएगा तो जल्दी में आपका बन जाएगा, नहीं तो बाई ऑप्शन से आप बनाइए तो आपको जल्दी में बनेगा। एग्जाम हॉल में हम लोग बाई ऑप्शन से जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो बाई ऑप्शन का हेल्प लेंगे, वहां पर जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि ए बी सी तीन छात्र है, ए बी सी तीन छात्र है, कहा जा रहा कि ए को बी से 36% कम मिला, ए है और यहां पर क्या है बी है, अगर इसको 100 मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा 36% क्या है कम है। फिर कहा जाए सी से 16% अधिक है, तो यहां पर ए का रिलेशन किससे दे रहा है सी का, अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा, क्योंकि अधिक लिख रहा था इसलिए 100 में जोड़ दिए, ये कम लिख रहा था तो घटाकर लिख दिए। अब देखिए यहां पर जो रिलेशन है इसको बैलेंस इच्छा करें तो बैलेंस कीजिए, लेकिन टाइम लग जाएगा बैलेंस करने में यहां पर, तो डायरेक्ट अप्रोच ले रहे हैं यहां पर समझिएगा, ठीक है। आपके पास जो दिया गया बी का कितना दे रहा है, बी का दे रहा है 145, ठीक है, बी का दे रहा है 145, ठीक है। हम लोग को वैल्यू निकालना है कि किसका सी का, तो सी पर जाना है, तो सी के जाने के लिए सी का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले ए का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए यहां पर दिया गया है बी बराबर कितना दे रहा है, तो इसको नीचे लिखेंगे क्योंकि जो डाटा जिसका देता है उसको नीचे लिखते हैं, चाहिए क्या ए का तो ऊपर मल्टीप्लाई। अब ये जो आया वैल्यू ये किसका आ गया, ए का वैल्यू आ गया। अब ए का वैल्यू आ गया तो यहां पर ए के बारे में कितना लिखा हुआ है 16, तो नीचे लिखेंगे, चाहिए किसका सी का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब इसी को क्या कर देना है सोल्व कर देना है, तो ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, इसको कट कीजिएगा तो 16 आएगा, इसको कट कीजिएगा तो 29, इसको कट कीजिएगा तो कितना आएगा 5, तो 5 गुने कितना हो जाएगा 16, दैट मीन्स कितना हो गया 80, कितना आ गया 80, ऑप्शन कौन सा सी, ठीक है। ये जल्दी में आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, क्लियर है, आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे कहा जा रहा कि त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, ठीक है, त्रिभुज क्यू पी आर 45 डिग्री तथा क्यू पी क्यू आर तथा पी आर क्यू का द्विभाजक बिंदु ओ पर मिलता है तो कोण क्यू ओ आर का मान डिग्री में क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिगर बनाते हैं, इसको फिगर ड्रॉ करते हैं। तो आपको कोई एक त्रिभुज है, त्रिभुज जो दिया गया है क्या दे रहा है तो पी क्यू आर, पी क्यू आर, अब यहां पर दे रहा है क्यू पी आर कितना 45, क्यू पी आर, क्यू पी आर कितना 45 डिग्री। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एंगल एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर इसका समद्विभाजक
और पी आर क्यू, पी आर क्यू का समद्विभाजक ओ पर जाकर मीट करता है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्यू ओ आर का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ये वैल्यू आपको निकालना है, ये वैल्यू कितना होगा। तो ये प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे कि कोई भी आपका एक ट्रायंगल होता है ए बी सी, यहां पर अगर ये समद्विभाजक होता है, समद्विभाजक होता है ये, ठीक है, समद्विभाजक होता है ओ, तो एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए बाई टू, ये प्रॉपर्टी होता है, इसी प्रॉपर्टी से ये सोल्व होगा। तो ये आपका एंगल निकालना है तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 45 बटा 2, तो 45 बटा 2 मतलब 112.5 डिग्री, 112.5 डिग्री, मतलब ऑप्शन कौन सा बी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको कहा गया है 28 में, कहा गया है कि दी गई आकृति में पी क्यू आर एक आयत है, पी टी यू एक त्रिभुज है, यदि पी क्यू 11 सेंटीमीटर, यू आर 8 सेंटीमीटर, टी आर 1 सेंटीमीटर तथा क्यू टी 3 सेंटीमीटर, तो पी टी तथा टी यू के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए यहां पर समझिएगा, फिगर तो आपके पास है, अब आपका यहां पर जैसे कि दिया गया है, दिया गया है क्या, तो आपको पी क्यू कितना दे रहा है 11, पी क्यू कितना 11 दे रहा है। ठीक है, ये टोटल लेंथ आपको कितना दे रहा है 11 दे रहा है। ठीक है, और यू आर, यू आर ये आपका कितना दे रहा है 8 सेंटीमीटर दे रहा है। ठीक है, और टी आर 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तथा क्यू टी, क्यू टी 3 सेंटीमीटर दे रहा है, तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका पी एस कितना होगा 4 सेंटीमीटर, पी एस कितना होगा 4 सेंटीमीटर, यहां पर ये कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा ना, क्योंकि ये 3 है और 1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 4, तो ये भी 4 होगा। अब देखिए तो ये आपका लेंथ कितना दे रहा है, ये दे रहा है 11, और 8 यहां पर लिखा गया, तो 11 में से 8 चला गया, तो ये कितना हो गया 3 हो गया ना, ये कितना हो गया 3। तो देखिए तो यहां पर आयत है, तो ये कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, ये कितना डिग्री 90 डिग्री, तो 4 और 3 का ट्रिपलेट कितना होता है 5। ठीक है, अब यहां पर कहा जा रहा है कि पीटी, पीटी, पीटी का मध्य बिंदु मान लेते हैं यहां पर ए है। ठीक है, और टी यू, टी यू का मध्य बिंदु क्या बी है, तो आपको इसका कहा जा रहा है वैल्यू निकालने के लिए। तो ये त्रिभुज है, मध्य बिंदु अगर है तो इसका क्या होता है, ये इसका क्या होगा हाफ होगा, कितना होगा तो हाफ होता है, तो कितना हो जाएगा 5/2, कितना होगा 5/2 होगा, कितना होता 5/2 होता है। ठीक है, 5/2, फिर से देख लीजिए यहां पर, तो ऑप्शन क्या हो जाता है ए आपका सही हो जाता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए यहां पर, ठीक है, यहां पे देखिए फिगर थोड़ा सा बड़ा साइज बनाते हैं तब समझ में आपका आएगा, एक आयत है। ठीक है, ये क्या है P है, Q है, R और S है। ठीक है, यहां पर क्या है U है, U हो गया, और यहां पर क्या है T है, ये क्या है T है, इसको मिला देना है यहां से, यही फिगर है, समझिएगा। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं ए है और इसका मध्य बिंदु क्या बी आपको निकालना है, मतलब ए बी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और डाटा में क्या दिया हुआ, डाटा में दिया हुआ है कि ये आपका कितना है 11 सेंटीमीटर दे रहा है। ठीक है,
ये आपका कितना दे रहा है, तो 3 सेंटीमीटर दे रहा है, और ये कितना दे रहा है, तो 1 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका टोटल हो जाएगा 3 × 1 कितना होगा 4, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा लेंथ, और ये आपका 4 हो जाएगा, और ये दे रहा था आपका क्वेश्चन में कितना 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर दे रहा था, ठीक है। तो ये टोटल आयत है, तो अपोजिट साइड और आमने सामने वाले भुजा क्या होता है, बराबर होता है, तो ये 11 है, 11 में से 8 चला गया, तो बचा कितना 3, ये कितना हो जाएगा 3, आपको आयत है तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये ट्यूबलेट से कर्व जब निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर का रूट अंदर कितना होता है 5, तो ये कितना हो जाएगा 5, यहां से लेकर यहां तक का लेंथ कितना हो गया 5 हो गया। तो ये प्रॉपर्टी से ये अगर मध्य बिंदु है, ये क्या है मध्य बिंदु अगर है, और ये भी क्या है मध्य बिंदु है, तो इसका आधा हो जाएगा 2.5, ऑप्शन कौन सा आपका ए, ठीक है, आया बात समझ में। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपका 100% सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसी को, क्वेश्चन को एक और प्रॉपर्टी है उसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। देखिए अगर कोई भी त्रिभुज है, ये प्रॉपर्टी देख लीजिए, कोई भी त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, अगर यहां पर मध्य बिंदु, मध्य बिंदु इसका अगर मध्य बिंदु क्या है डी और ई है, ये क्या है मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ये भी क्या है मध्य बिंदु है, ठीक है, तो मध्य बिंदु है तो डी ई बराबर कितना होता है 1/2 BC होता है, 1/2 BC, ठीक है, मतलब ये अगर x होगा तो ये कितना होगा x/2 होगा, इसलिए ये हम लोग को कितना आया था 5 आया था, ये आपको सॉरी ये कितना आया था 4 आया था, ये 3, तो ये 5, तो मध्य बिंदु निकालना था, तो 5 के आधा कितना 2.5, ऑप्शन कौन सा ए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा कि 4 बुक में पुस्तक 1 पुस्तक 2 से दुगुनी भारी है, पुस्तक 3 का भार जो है पुस्तक 2 के भार का आधा है, पुस्तक 4 का भार पुस्तक 2 के तुलना में 60 ग्राम अधिक है, लेकिन पुस्तक 1 की तुलना में 60 ग्राम कम है, तो कौन सी पुस्तक सबसे भारी होगी, ठीक है। तो देखिए यहां पर कहा गया है दुगुना, और फिर दूर से कहा जा रहा कि आधा, तो कभी भी तीसरा बुक तो होगा नहीं, कभी भी तीसरा बुक होगा नहीं, क्योंकि दूर से क्या कहा जा रहा आधा कहा जा रहा, दूर से क्या कहा जा रहा आधा, मतलब तीसरा बुक तो कभी नहीं होगा। अब फिर कहा जाए चौथा बुक जो है दूसरे के तुलना में इतना कम है, इतना कम है, तो तीसरा भी नहीं होगा और चौथा भी बुक नहीं होगा, नहीं होगा। फिर कहा जा रहा कि एक की तुलना में 60 ग्राम कम है, कौन दूसरा, तो दूसरा अगर कम है, दूसरा अगर कम है, दूसरा अगर कम है, तो बचा कौन, पहला बुक ना, इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा फर्स्ट, काम यहीं पर समाप्त हो गया। अगर क्वेश्चन अच्छा से पढ़िएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, कहा जा रहा क्वेश्चन में कि दूसरा बुक पहला बुक का क्या है दुगुना है, मतलब आपका दूसरा बुक छोटा होगा, कम वेट का होगा पहला बुक के कंपेरिजन में। अब फिर कहा जा रहा कि तीसरा बुक दूसरे बुक से आधा है, जब दूसरा बुक खुद आपको छोटा था पहला बुक से, और फिर दूसरा बुक के कहा जा रहा कि उसका आधा तीसरा बुक, तो वह भी तो छोटा ही होगा ना, ठीक है। अब फिर दूसरा बुक कहा जा रहा है यहां पर, लेकिन पहला बुक से 60 ग्राम कम है, यहां पर भी क्लियर कर दिया कि पहला बुक जो है दूसरा जो बुक है दूसरा बुक 60 ग्राम कम है, इसका मतलब पहला बुक ही ना आपको होगा, इसलिए आपका आंसर क्या होगा फर्स्ट होगा, ठीक है। देखिए इसको लिखेंगे कैसे, लिखकर अगर बनाते हैं तभी भी आपका बनेगा, लेकिन टाइम आपका ज्यादा लेगा, ठीक है। बुक वन, बुक वन और रेशियो बुक टू में कहा जा रहा है कि दूसरे बुक से दुगुना भारी है, तो ये अगर 2 रेशियो है तो ये 4 रेशियो आप मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत,
चाहे एक्स मान लीजिए, अगर आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा है तो इसको एक्स मान लीजिए, ठीक है। ये अगर एक्स है तो ये कितना होगा, टू एक्स होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तीसरा बुक का भार दूसरे बुक का आधा है। बुक कौन सा, बुक आपका तीसरा, दूसरे से क्या है, आधा है, एक्स बाई टू होगा, एक्स बाई टू होगा, एक्स बाई कितना होगा, टू होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन में आपसे कहा जाएगा कि चौथा बुक का भार, चौथा बुक का भार दूसरे के तुलना में 60 ग्राम अधिक है। चौथा बुक कितना, चौथा दूसरे से कितना कहा जा रहा है, चौथा बुक जो है दूसरे के तुलना में 60 ग्राम क्या है, अधिक है, तो एक्स है, तो एक्स प्लस कितना होगा, 60 होगा, एक्स प्लस कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि लेकिन पहला बुक जो है आपको 60 ग्राम कम है, 60 ग्राम कम है, तो इससे कितना, मतलब अगर दोनों को घटा दें तो 2x माइनस कितना, x प्लस 60 इक्वल टू कितना आएगा, 60 आएगा, कम है, कम लिखा हुआ है, तो यहां पर सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस x माइनस 60 इक्वल टू कितना होगा, 60 होगा, तो 60 उधर जाएगा तो प्लस में 120 घटा देंगे, x इक्वल टू कितना हो गया, 120 आया, x का वैल्यू 120, पुट करेंगे 120 मतलब 240 होगा, ये कितना हो जाएगा, 120, आई ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 60 में से 180 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे भारी कौन है, यही ना है, इसलिए ऑप्शन कौन सा, ए। तो क्वेश्चन में ही अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते तो पहला जो बताए थे क्वेश्चन पढ़ कर भी आंसर आपको दे देना था, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 33 है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 240 प्रति किलोग्राम की चाय को 280 रुपया प्रति किलोग्राम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रण को 324 रुपया प्रति केजी बेचने पर 20% का लाभ हो। एलिगेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर पहला को बेचा गया है कितना, कितना पर खरीदा गया है, 240, दूसरे को कितना पर, 280, ठीक है। अब देखिए यहां पर 300 जो 24 दे रहा है वो क्या है, बेचने पर, मतलब ये क्या है, विक्रय मूल्य है, ये क्या है, विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए लाभ 20% हुआ है, लाभ अगर 20% हुआ है, 20%, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, 120%। तो 120% टेंस टू 300 कितना आएगा, 24, तो 100% जब निकालेंगे तो 324 गुने कितना हो जाएगा, 100 बटा कितना हो जाएगा, 120। तो यहां पर 5 हो गया, ये कितना हो गया, 6 से काटेंगे, 6 + 30 और 4 गुना कर देंगे तो 5 × 20 2 × 30 300 कितना आएगा, 6 × 30 सॉरी 6 है तो 5 होगा, ठीक है। तो गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 54 × 5 मतलब 200 कितना आएगा, 70 कितना आएगा, 270 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 270, क्रय मूल्य कितना हो गया, 270 हो गया, बात समझ में आ गया, ठीक है। 200 कितना आ गया, 70 हो गया, इसका कितना है, 270 आ गया। तो यहां पर 200 कितना होगा, 70 होगा, मिड में हम लोग पुट करेंगे तो इसको एलिगेट किए तो कितना आ गया आपका, 10। इसको एलिगेट करेंगे, ठीक है, एलिगेट करेंगे, 240 है तो एलिगेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो इसको कट करेंगे तो रेशियो 1:3 आ गया, 1:3 आया, जो ऑप्शन कौन सा, सी आपका बिल्कुल सही है, क्लियर है। सी आपका कौन सा, ऑप्शन कौन सा, सी आपका सही है। एलिगेशन मेथड आपका अप्लाई, आप लोग एलिगेशन में पढ़े होंगे कि ए बी और यहां पर जो सी होता है, ये तीनों का नेम क्या होना चाहिए,
अगर ये सीपी में है तो ये भी क्या सीपी में, तो ये भी क्या रखना होगा सीपी मतलब क्रय मूल्य में रखना है। अगर ये विक्रय मूल्य तो ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य में रखा जाता है। तो ये तो क्रय मूल्य दे रहा था, ये क्रय मूल्य दे रहा था, ठीक है। यहां पर देख लीजिए एक बार और, ये तो क्रय मूल्य दे रहा था आपका, क्रय मूल्य पहला वाला का 200 कितना था, 40 था, 280 था, और 20% का लाभ हो रहा था, मतलब 20% का मतलब 1/5 कितना 5, मतलब 6/5 कितना 5, 6 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 54 आएगा, 5 से गुना करेंगे तो 200 कितना आएगा 70, एलिगेट करेंगे तो ये 10 आ गया, एलिगेट किए तो कितना आ गया 30 आ गया, रेशियो 1:3 का, जो ऑप्शन कौन सा सी। आया बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है एक साइकिल के पहिया का व्यास दिया गया है 21 सेंटीमीटर, साइकिल चालक 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए 45 मिनट लेता है, तो यात्रा के दौरान पहिया कितना चक्कर लगाता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर चक्कर, चक्करों की संख्या, चक्रों की संख्या, संख्या जब निकालना हो तो कुल दूरी, कुल दूरी बटा एक चक्कर, एक चक्कर, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का आपका यूज करना है, ठीक है। चक्रों की संख्या निकालना हो तो कुल दूरी कितना तय किया है, एक राउंड में, एक कंप्लीट राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उससे कुल दूरी से डिवाइड कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा चक्रों की संख्या, ठीक है। तो चलिए यहां पर पहले कुल दूरी निकालते हैं, ठीक है। दूरी जब निकालेंगे यहां पर, क्या दूरी जब निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय, तो चाल दे रहा कितना 16.5 गुने समय, तो ये किलोमीटर पर आवर में, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये सेंटीमीटर में दे रहा है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में पहले चेंज करते हैं, तो 5/ कितना होगा 18 गुने, यहां पर 45 मिनट है, 45 मिनट है, तो इसको 60 से गुना कर देंगे तो आपको क्या चीज में आ जाएगा सेकेंड में आ जाएगा, ये क्या है मिनट में है, इसलिए 60 से गुना किए, ठीक है। तो ये पॉइंट से एक जीरो कैंसिल हो गया, 6 से काटेंगे तो 3 आ गया, 3 से काटेंगे तो ये कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। मतलब आया कितना 165 गुने 5 गुने 15 मीटर आया, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया कुल दूरी, ठीक है। और पहिया जो होता है, पहिया जो होता है एक राउंड मतलब एक चक्कर में दूरी, एक चक्कर में दूरी का मतलब क्या, तो पाई इंटू डी होता है, पाई इंटू डी, तो पाई का वैल्यू 22/7 गुने डी, डी का मतलब आपका व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना दे रहा हुआ तो 21 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है, सेंटीमीटर दे रहा, तो एक चक्कर आपको आ गया सेंटीमीटर में, ठीक है। तो यहां पर दे रहा है मीटर, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या चीज करना होगा, 100 से भी गुना करना होगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो एक चक्कर लगाने में इतना दूरी तय करेगा, टोटल दूरी, कुल दूरी, यहां पर कुल दूरी दिया हुआ है कितना, कुल दूरी इतना आया, तो चक्रों की संख्या निकालना है, तो चक्रों की संख्या अगर निकालना है यहां पर, चक्रों की संख्या निकालना है, चक्रों की संख्या बराबर कितना आ जाएगा 165 × 5 × 15 × कितना 100 डिवाइडेड बाई यहां पर 22/7 होगा, तो 7 को ऊपर लिख देते हैं, गुने कितना होगा 21 गुने क्या होगा 21, ठीक है। तो इसको 2 से काटेंगे तो 11 से काटेंगे तो 2, 11 से काटेंगे तो कितना आएगा 15, ठीक है आ गया, 7 से काटेंगे तो कितना आ गया 3, 3 से काट देंगे तो ये कितना आ गया 5, ठीक है। 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 50, 2 से काटेंगे तो कितना 50, अब गुना करेंगे
पांच गुने पांच 125, 25 गुने पांच कितना 125, और इसमें पांच है ही तो कितना हो जाएगा 625 गुने तीन, 625 गुने तीन तो आपका आ जाएगा कितना 18750। ठीक है, कितना कितना चक्कर तो 18750। ऑप्शन कौन सा, बी आपका सही होगा, बी आपका क्या होगा, बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। कुल दूरी बटा एक चक्कर का दूरी से डिवाइड करेंगे तो टोटल चक्रों की संख्या आपका आ जाएगा। ठीक है, फटाफट इसको देख लेते हैं कैसे जल्दी में सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर चक्रों की संख्या अगर निकालना है, संख्या बराबर निकालना है तो दूरी कितना होगा 16.5 इंटू किलोमीटर पर आवर में बटा में 18 अगुने 45 गुने कितना हो जाता 60, कुल दूरी निकल गया। एक चक्कर लगाना है तो कितना हो जाएगा आपको पाई 22 बटा कितना होगा 7 गुने आपको कितना 21 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या 100 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे यह कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, पॉइंट को हटाएंगे एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो यहां पर 11 से काटेंगे तो 2 और कितना हो जाएगा 15, 3 को काट दिए तो कितना हो गया 5 आ गया ना। अब इसको 2 था तो 2 को काटेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 18 को 9 दूना 18 9 पच्चे एक और काट देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका काटेंगे तो कितना 60 था ना तो काट देंगे तो कितना होगा 30 होगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 गुने 5 गुने 5 मतलब 625, 625 गुने कितना होगा 30 होगा तो गुना करेंगे तो 75 18 एक सुनना ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर याद रहता तो इस प्रोसेस से आपको बनाना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा दिया गया एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल टू 81, x माइनस वाई इक्वल टू 3 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो दिया गया है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल टू कितना 81। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 81। इसका वैल्यू आपके पास दे रहा है कितना दे रहा है तो 3 दे रहा है तो यहां पर 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू कितना 27। ठीक है, हम लोग को वैल्यू निकालना है, सिर्फ इसी का वैल्यू निकालना है तो इसका वैल्यू निकालने के लिए मतलब एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए आपको। तो यहां पर जो दिया गया है एक्स माइनस वाई का 3 दिया हुआ है तो होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू कितना 9। ठीक है, इक्वल टू कितना 9 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 2xy। ठीक है, तो इसके जगह पर एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई के जगह पर हम लोग पुट कर सकते हैं कितना 9 प्लस 2xy प्लस एक्स वाई इक्वल टू 27। तो इसको अगर तो कितना हो जाएगा 3xy इक्वल टू 9 को उधर घटा देंगे तो 18 आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो 6 मतलब एक्स वाई इक्वल टू कितना आ गया 6, एक्स वाई इक्वल टू कितना 6। ठीक है, तो देखिए यहां पर एक्स वाई इक्वल टू कितना आया मेरा 6 आया तो इसका वैल्यू अगर 6 आ गया तो हम लोग को इसका वैल्यू निकालने के लिए ये क्या करना होगा माइनस 6 करना होगा तो माइनस 6 अगर करते हैं तो कितना आएगा 21 आएगा 21। ऑप्शन कौन सा, बी। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन जो है हीट एंड ट्रायल मेथड से थोड़ा सा हटकर है। हीट एंड ट्रायल मेथड में आप सोचते रह जाइएगा टाइम आपको ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व भी करने आपको आना चाहिए। इसी तरह से फटाफट थोड़ा सा जल्दी में हम लोग क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन आपका डी आई से क्वेश्चन है। ठीक है, ये डी आई को अच्छे से आपको सबसे पहले रीड करना है उसके बाद आपको बनाना है।
तो डाटा जो दे रहा है ब्रांड 1, 2, 3, 4 का दे रहा है, 2014, 2015, 2016 दे रहा है। कहा जा रहा क्वेश्चन में कि 2014 से 2015 मतलब 14 से 15 ब्रांड 2 के लिए कहा गया, तो 2 के लिए 1, 2 इसके लिए कहा गया है ब्रांड 2 14 में, और 15 में बिक्री की संख्या में कितना परसेंट वृद्धि हुआ, 15 में कहा जा रहा तो ये है कितना वृद्धि हुआ है, ये नहीं निकालना है। तो इसमें बिक्री कितना था मेरा, बिक्री था 4.5 और 15 में कितना आ गया था 5, तो कितना इंक्रीज किया था 0.5 बाई कितना हो जाएगा 4.5 इंटू कितना हो गया 100, ठीक है 100 पॉइंट से ये पॉइंट आपका क्या हो गया हट गया, तो इसको काटेंगे तो कितना आ गया 9, मतलब आपका आया कितना 100/9, ब्रेक करेंगे तो 11.11 समथिंग होगा, तो मतलब यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन कौन सा डी आपका बिल्कुल सही होगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये डीआई में आपसे कहा जा रहा है कि इसमें कहा जा रहा क्वेश्चन में कि 2014-2016 मतलब इसमें और इसमें काम करना है, चारों ब्रांड की तुलना में मोबाइल की बिक्री की संख्या में कितना परसेंट वृद्धि हुई है, तो इस सबको अगर जोड़ते हैं तो यहां पर 4, 6, 10 आइए कितना हो जाएगा 12 मतलब 22, ये टोटल हुआ कितना 22 हो गया, और 2016 में जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 15, 21 मतलब 30.5 कितना आएगा 5, मतलब 22 से आपको इंक्रीज हुआ 30.5 कितना 5, 30.5 तो कितना इंक्रीज हुआ 8.5 बाई कितना होगा 11, 22 पॉइंट से 10 आपका कैंसिल हो गया, इसको कट करेंगे तो 11 होगा, ये कितना हो जाएगा 5, गुना करेंगे तो 50, 25, 8, 5, 40 बाई कितना हो जाएगा 11 करेंगे तो देख रहे हैं कितना 4 पॉइंट सॉरी इसको डिवाइड करेंगे 11 से तो कितना आएगा 3 बार में अगर लगाते हैं तो यहां पर 9 आ जाएगा, तो 98 point something होगा, 98 point something ऑप्शन कौन सा बी 90, ठीक है मतलब 38 point क्या समथिंग आएगा, तो आपका आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी 38.63 आपका आंसर, ये नहीं ऑप्शन को ध्यान रखकर तब डिवाइड करना, आगे नहीं बढ़ना है, आगे डिवाइड करने से कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऑप्शन में यही पर क्लियर हो गया 98 और किस सॉरी 38 यहां पर है नहीं है, आएगा समझ में, तो इसलिए यहां पर आपको इसी तरह से जल्दी में आपको बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 में कहा जा रहा कि जब पासे एक जोड़ा फेंका गया तो संख्याओं का योग विषम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है विषम होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा गया है, ठीक है मतलब एक जोड़ा का मतलब दो को पासा आपको फेंका गया है, ठीक है तो उसका संख्या विषम होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा गया है, ठीक है तो पासा में दो होगा तो चलिए देखते हैं, एक होगा और फिर आपका एक हो सकता है एक होगा, एक एक करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, ये कभी नहीं आएगा, एक एक को फिक्स रखते हैं, एक और आपको 2 रखते हैं तो ये 3 ये होगा, काउंट करना पड़ेगा, इसमें और कोई उपाय नहीं है, काउंट करना पड़ेगा, ठीक है एक और 3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, ये नहीं होगा, एक और कितना एक और आपको रखना होगा 4 तो ये 5 हो जाएगा, ये भी हो सकता है, एक और कितना 5 रखिएगा तो ये 6 ये भी नहीं होगा, एक और 6 तो ये कितना हो जाएगा 7, तो विषम कहा जा रहा था ना योग कितना होना चाहिए विषम, तो कितना 1, 2, 3 मतलब एक अगर लेते हैं तो 3 आ रहा है विषम आ रहा है ना 3 आ रहा है, तो उसी तरह से टोटल 6 होगा, टोटल कितना होगा 6 होगा क्योंकि 2 पर चलेंगे 2, 1 लेकर चलेंगे तभी भी ये विषम आ रहा है, ये सही लेना है, ठीक है 2 और 2 अगर लेंगे तो ये क्या आएगा 4, ये नहीं होगा,
दो और तीन लेंगे तो ये कितना आएगा, पांच, ये भी होगा। दो और चार लेंगे तो कितना हो गया, छह, ये नहीं होगा। दो और पांच अगर लेते हैं तो ये सात होगा, ये होगा। दो और छह लेंगे तो होगा आठ, होगा नहीं होगा, क्योंकि ये सम संख्या आ जाएगा। तो इसमें भी कितना आ रहा आपका, कितना आ रहा, एक आ रहा, दो आ रहा, तीन आ रहा, मतलब सभी ग्रुप में आपका कितना आएगा, तीन तीन आएगा। तो टोटल छह, मतलब कितना आपको, तीन गुने छह डिवाइडेड बाय टोटल दो पच्चा अगर फेंकते हैं तो कितना आता है, छत्तीस। इसको कट करेंगे तो ये कितना आ गया, छह, इसको कट करेंगे तो दो, मतलब एक बटा टू, दो का मतलब जीरो पॉइंट कितना आएगा, फाइव, 0.5। ऑप्शन कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही होगा। आया बात समझ में। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि पी ई बराबर क्या होता है, एन एन ई बाई एन एस, एन एस। तो दो को पासा अगर फेंकना है तो इसका कितना संभव हो सकता है, तो 6 का पावर एन, तो दो गो है, एन का क्या है, पासों की संख्या है, तो 6 का पावर 2 का मतलब कितना आ जाएगा, 36। तो टोटल कितना लिखे हैं, 36 लिखे हैं, और टोटल को इस तरह से काउंट कर लेना है, ठीक है। बिना काउंट किए आपका काम नहीं चलने वाला है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो थोड़ा सा मेंटली आपको काउंट करना होगा कि किसको पूछा जा रहा है, उसको काउंट कर ले। आया बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 58 में कहा जा रहा कि कितना आपको 20%, तो 20 आपको 20 का 10% तो बटा में कितना होगा, 100 होगा, तो कितना हो जाएगा, 2। बटा में आपका कितना हो जाएगा, यहां पर देख रहे हैं, चलिए 20 का यहां पर कितना, 20 का 10% निकालना, तो 2 प्लस यहां पर 20% निकालना है तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 6। अब प्लस यहां पर अगर निकालना है तो कितना आ जाएगा, 12। अब प्लस 50 का 40% निकालेंगे तो 20 इक्वल टू 800 का, इक्वल टू क्या कह रहा है, इक्वल टू 800 का, 800 का कितना x%, 800 का कितना x%, x बटा कितना होगा, 100। तो 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ये 8 20 8, अब 12 कितना, 20, अब 20 कितना, 40। 40 में से 8 चला गया तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू, x का मान आपको निकालना है, ठीक है, x का मान निकालना है, तो x इक्वल टू कितना आ रहा, 32 आ रहा, ठीक है। चलिए एक बार और इसको देखते हैं, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं है ना, प्लस है ना, सब जगह प्लस है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में आपसे कहा बोला गया है कि अगर 20 गुने कितना 10 बटा 100, परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और प्लस यहां पर कितना हो जाएगा आपको, 30 गुने 20 बटा कितना हो जाएगा, 100, प्लस 40 गुने 30 बटा कितना, 100, प्लस 50 गुने 40 बटा कितना, 100, और 800 गुने x बटा कितना, 100, ठीक है, यही ना है। तो इसको अगर ये इसको कैंसिल कीजिए तो कितना आ गया, 2 आ गया, प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6, ठीक है, प्लस इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 4 3 12, प्लस इसको कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 इक्वल टू, इसको दोनों को कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x, सॉरी वहां पर हम लोग घटा दिए थे, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 40 इक्वल टू कितना, 8x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 40 बटा कितना, 8 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। ऑप्शन कौन सा, डी, ठीक है, पहले भी सही था, ठीक है, पहले भी आपको सही था, मेंटली भी अगर सोल्व कीजिएगा तभी भी आ जाएगा, हमसे यहां पर मिस्टेक हो गया था उस समय। यहां पर देखिए अगर 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2, इसका कितना आ जाएगा, 6, इसका कितना हो जाएगा, 12, इसका कितना हो जाएगा, 20, और कितना, 8x, तो 40 बटा 8x गुने 8, तो 8 को काटिएगा तो एक्स इक्वल टू कितना, 5 आपका आंसर, ऑप्शन कौन सा, डी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
39, ठीक है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा कि एक बेलन के ऊपर लगाए गए एक अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, यदि दोनों त्रिज्या समान हो तो बेलन की ऊंचाई त्रिज्या की क्या है, दुगुनी है, ठीक है। तो चलिए इस तरह का फिगर कहा जा रहा है, ये बेलन है, इसके ऊपर क्या है, एक गोला है, एक क्या है, गोला है, स्फेयर है, ठीक है। तो इसका जो है त्रिज्या जो होगा वो आर है, तो इसका भी त्रिज्या कितना होगा, आर, लेकिन ऊंचाई जो होगा वो त्रिज्या का क्या कह रहा है, टू आर कह रहा है ना। तो कहा जा रहा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है, कुल कुल आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए इसका हम लोग निकालेंगे, इसको भी टच कर सकते हैं, तो पाई आर स्क्वायर, ये वाला पार्ट को, ये वाला पार्ट को अगर निकालेंगे तो ये वाला पार्ट का कितना होता है, टू पाई आर एच होता है, ठीक है। और ऊपर से अर्ध गोला है ना, अर्ध गोला है तो इसका क्या होगा, टू पाई आर स्क्वायर, टू पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर प्लस यहां पर टू आर रखना होगा इसके जगह पर, तो कितना होगा, फोर पाई आर स्क्वायर प्लस टू पाई आर स्क्वायर, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सात पाई आर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन कौन सा, सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर कितना 62, कहा जाए कि अर्जुन, भरत और चंद्र ने एक क्रिकेट मैच खेला, अर्जुन और भरत, अर्जुन का और रेशियो किसका, भरत का, दे रहा है कितना, एक अनुपात दो। फिर कहा जा रहा कि भरत और किसका, चंद्र का, दे रहा है किस रेशियो में, 3:4 कितना, 4, ठीक है। तो ये दोनों में कॉमन कौन है, भरत है, तो इसको 3 से गुना, इसको 2 से गुना, 3 से गुना करेंगे तो 3:6 हो जाएगा, और 6:2 कितना हो जाएगा, 8। तो यहां पर अर्जुन, भरत और चंद्र का अगर लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, 3:6:8 आएगा ना, टोटल को जोड़ेंगे 9:17 आएगा, 17 रेशियो बराबर आपको कुल मिलाकर कितना कहा जा रहा, 204। तो एक बराबर अगर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, एक बराबर 12। तो कहा जा रहा कि चंद्रू और अर्जुन से कितना रन अधिक, चंदू यहां पर है और अर्जुन ये है, कितना अधिक, तो 5 अधिक है, तो 5, एक रेशियो बराबर 12, तो 5 रेशियो बराबर कितना, 12 पचे 60, 60 रन, मतलब ऑप्शन कौन सा, ए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा कि ए बी सी को एक वृत्त के पथ के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इतना 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 सेकंड अगर लगाते हैं, यदि वे एक साथ एक बिंदु से चलना चालू करते हैं तो कितने समय के बाद वह पुनः उसी बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है। तो कहा जा रहा पुनः उसी बिंदु पर कितना मिलेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग करते हैं क्या कि सबका एलसीएम हम लोग ले लेंगे, क्या सबका एलसीएम हम लोग ले लेंगे, ठीक है, सबका एलसीएम ले लेंगे, जैसे कि क्या है, 2, 5, 2 और 308, 198 का हम लोग एलसीएम लेंगे, क्या लेते हैं, एलसीएम अगर लेंगे तो 2 27 72 आएगा, 27 72 जो आएगा ये क्या आएगा, सेकेंड में आएगा, क्या चीज में आएगा, सेकेंड में, क्योंकि याद रखिएगा पुनः फिर से स्टार्ट करना, ठीक है, मतलब सबका मल्टीपल एक सिंगल होना चाहिए, तो इतना सेकेंड जो होगा ये इससे भी डिविजिबल होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, मतलब आपका पीरियड क्या होगा, सबका एक ही बिंदु पर आकर फिर से
एकत्रित हो जाएगा कितना सेकेंड के बाद, 2772 सेकेंड के बाद। तो इसी सेकेंड को हम लोग चेंज करेंगे मिनट में, मतलब मिनट में लाने के लिए कितना होगा, 2772 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 46 मिनट 12 सेकेंड, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका बी बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, आया बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे क्रमशः 20 48 36 विभाजित करने पर 13 41 29 शेष बचे। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाते हैं, शेष कितना बच रहा है वो देखना है कि 20 तो शेष कितना बच रहा है, इसके अकॉर्डिंग 13 7 आ रहा है, यहां पर 48 कितना, अगर इसमें घटा देंगे 41 घटा देंगे तभी भी 7 आएगा, उसके बाद में 36 से विभाजित करने पर शेष 29 तो ये भी कितना आ जाएगा, 7 आएगा, मतलब ये क्या है, इक्वल है, इक्वल आ रहा है ना। तो इसको हम लोग को करना क्या है, इसको हम लोग को बहुत आसान तरीका से हम लोग करना कि एलसीएम ले लेना, सबका एलसीएम हम लोग को ले लेना है, किसका, तो 20 का 48 का और 36 का, इसका क्या लेना है, तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा, 720 आएगा। तो आंसर फाइनल में ऐसे केस में 720 तो 20 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 48 से भी होगा और 36 से भी डिविजिबल हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसके लिए हम लोग आंसर जो लिखना है 7 सभी में बचना चाहिए, इसलिए माइनस क्या कर देंगे 7, मतलब 700 कितना हो जाएगा, 13 आपका आंसर, 713 ऑप्शन कौन सा, डी आपका सही है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि वो संख्या निकालना है तो ऐसा संख्या निकाल दे जो 20 से भी डिविजिबल हो जाए, 48 से भी हो जाए, 36 से भी हो जाए। तो सबसे पहले वो संख्या निकाले तो 700 कितना आया, मेरा 20 आया, अब 720 आया लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि रिमाइंडर अलग अलग बचना चाहिए 13 41 और 29। ठीक है, तो इसके लिए डिफरेंस देखेंगे डिवाइजर और शेषफल में कितना का डिफरेंस है, तो 7 है तो 720 में से 7 को घटा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वही आपका आंसर होगा कौन सा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 72 नंबर, दो नल है पी और क्यू अकेले अकेले टंकी को भरने में 60 मिनट और 40 मिनट का समय लेता है, यदि नल क्यू पहले आधे घंटे तक खोला जाए और शेष बचे समय के लिए केवल पी को खोला गया तो टंकी को भरने में अब कितना समय लगेगा। आसान क्वेश्चन है, आप लोग तो बनाते होंगे, तो आपको पी जो है 60 मिनट लेता है और क्यू जो है 40 मिनट का समय लेता है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 120 आएगा, तो 120 जब आ गया डिवाइड करेंगे तो 2 और इसका कितना 3 इफिशियंसी आया। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्यू पहले आधा घंटा, आधा घंटा का मतलब 30, ठीक है, क्यू के लिए कहा जा रहा था, क्यू के लिए अगर बात करें तो एक मिनट में तीन काम करेगा तो 30 आधे घंटे का मतलब कितना 30 सेकेंड, तो 30 में कितना काम कर लिया 90, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचेगा 120 माइनस 90 मतलब 30 काम बचा, कितना काम बचा 30, तो अब P के द्वारा 30 काम करने में कितना समय लगेगा, तो 30 बटा P का एफिशिएंसी कितना 2 मतलब कितना आ गया 15 सेकेंड और 15 मिनट और काम करेगा। ठीक है 15, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, पहले से 30 आधा घंटा का आ रहा था तो 30 अब प्लस बाद में P अगर करेगा तो 15, 30 और 15 का जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 45, कितना आ गया 45, ऑप्शन कौन सा, सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, आया समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में कहा जाएगा कि दो नल एक टंकी को 45 और 30 मिनट में भर सकते हैं, कुछ समय बाद धीमी पाइप को बंद कर दिया गया।
ठीक है, जो भी धीमी पाइप होगा उसको बंद कर दिया गया। फिर दूसरा पाइप द्वारा टैंक को भरने में 13 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं, तो धीमी पाइप को शुरू में कितना देर के बाद बंद कर दिया गया, है ना। तो चलिए यहां पर दो पाइप है, ए है, ए को कितना 45 और बी को कितना 30, ठीक है। अगर यहां पर अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, 120 नहीं 180 अगर लेते हैं तो आपका एलसीएम हो जाएगा 180, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 0 से कैंसिल हो जाएगा 6, ठीक है। 90 भी ले सकते थे, ठीक है, एक काम करते हैं छोटा ही लेके चलते हैं, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहां पर ए के लिए कितना कह रहा था 45 और बी के लिए कह रहा था कितना 30, तो एलसीएम आपका हो गया कितना 90, तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो आपको धीमी पाइप का मतलब कौन, ए के लिए कहा गया है कि उसको कुछ समय के बाद धीमी पाइप को बंद कर दिया गया, ठीक है। कुछ समय के बाद धीमी पाइप को क्या कर दिया गया, धीमे पाइप को बंद कर दिया गया। फिर दूसरा पाइप टंकी को भरने में 13 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं, तो धीमी पाइप को शुरुआत में कितना देर बाद बंद किया गया था, यही ना है क्वेश्चन। मतलब आपको जो तेज वाला जो पाइप है वो कंटिन्यूअस काम किया, ठीक है। तो एक मिनट में कितना काम करता है, एक मिनट में आपको तीन काम करता है, एक मिनट में कितना काम करता है, तीन काम करता है, ठीक है। तो तीन गुने कितना हो जाएगा आपको 13 गुने 20 सेकेंड, ठीक है, मतलब 40 काम कर देगा, ठीक है। यहां पर देखिए तो अगर गुना करेंगे बी के लिए कितना काम किया, तो 13 मिनट प्लस 20 सेकेंड को गुना करना है 3 से, तो कितना हो जाएगा 3 9 प्लस ये कितना सेकेंड होगा, कितना सेकेंड होगा तो 60 होगा, मतलब एक और काम करेगा, मतलब कितना हो जाएगा 40, कितना काम हो गया 40 काम हो गया। तो 40 काम अगर समाप्त हो गया तो बचा कितना काम, शेष काम आपका बचा कितना, यहां पर शेष काम कितना बचा, 90 में से 40 काम हो गया तो बचा कितना 50 काम हो गया, 50 बचा। तो अब ए और बी मिलकर कितना काम करेगा, तो 50 बटा दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 3, मतलब कितना आ गया 10, 10 मिनट के बाद ही वो क्या कर दिया गया था, उसको बंद कर दिया गया था। मतलब आपका ऑप्शन जो आएगा वो कौन सा होगा, तो सी, ठीक है। मतलब दोनों मिलकर एक साथ कितना काम किया, तो 10 मिनट में काम किया है ए और बी शुरू में चालू किया गया, ठीक है, कुछ समय के बाद धीमी पाइप को बंद कर दिया गया। तो निकाल लिया हम लोग क्या, पहले जो बंद किया गया जो चालू था उसका पहले निकाल दिया गया, तो निकाले तो 40 काम ये किया, कौन किया था, बी 40 काम अकेले किया है बंद होने के बाद। तो इसका मतलब काम पहले समाप्त हुआ होगा कितना, जब दोनों ओपन था तो 50, तो 50 बटा 5 मतलब 10 मिनट के बाद क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ऑप्शन कौन सा सी। आया समझ में, इसको एक बार और समझिए, देखिए इसको समझ में आ जाएगा। देखिए कहा जा रहा कि ए और बी, ए के लिए अगर निकाले 45 आ गया, बी के लिए कितना आ गया 30, है ना 90, तो यहां पर 2 आ गया, यहां पर 3 आ गया। कहा जा रहा कि शुरू में ए और बी दोनों ओपन था, एक्स मिनट तक काम किया, ये पता नहीं है कि कितना मिनट में समाप्त हुआ, प्लस उसके बाद में धीमी पाइप कौन है, ए है, क्योंकि इफिशियंसी इसका कम है या समय ज्यादा ले रहा है, धीमी पाइप ए को बंद कर दिया गया, तो काम कौन करेगा बी, कितना मिनट, तो 13 मिनट प्लस कितना 20 बटा कितना हो जाएगा 20 बटा 60, मिनट में चेंज करना होगा, इतना मिनट तक काम करेगा तो टोटल काम कितना होगा 90। तो इसका एफिशिएंसी ये 2 है, मतलब 5x हो जाएगा, ये 3 है 5x हो जाएगा, अब प्लस ये कितना 3, गुना करेंगे इस कैंसिल हो जाएगा, ये कितना 1/3, तो 39, 1/3 से काटेंगे तो 1 आएगा, मतलब 40 हो गया, ठीक है, इक्वल टू कितना 90, x बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है
एक्स बराबर कितना आ जाएगा 10, तो ये भी आपका क्या है बेस्ट तरीका है, इससे भी आप सोच सकते हैं ऑप्शन कौन सा, सी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। कहा जा रहा कि जब एक संख्या में 45 घटा दिया जाए तो वो संख्या घटकर 80% रह जाती है, तो उस संख्या के 4/5 भाग क्या होगा। आसान है, तो संख्या का 80% रह जाती है मतलब घटा कितना 20%, तो 20% का मतलब कितना 35, तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा 35 गुने कितना हो जाएगा 5, ये संख्या आ गया। तो आंसर निकालने के लिए क्या कहा जा रहा, 4/5, 5 से काटेंगे गुना करेंगे तो 140, आपका आंसर हो गया 140, ऑप्शन कौन सा डी। ठीक है, 80% रह जाता है मतलब 20% घटाया गया है, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग 20% घटा गया है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना घटाया जा रहा 35, तो 100% जब निकाले तो कितना आ गया 35 गुने कितना आ गया 5, ये संख्या आ गया। लेकिन आंसर में जो पूछा जा रहा है कितना 35 गुने 5 का कितना 4/5 निकालना है, तो गुना करेंगे तो 100 कितना आ जाएगा 40। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक पानी की टंकी में पानी भरने के लिए 3 नल पी क्यू आर लगा हुआ है। पी के लिए कहा जा रहा, पी के लिए समझिएगा, पी के लिए 24 मिनट में 4 बाल्टीन, ठीक है। क्यू के लिए कहा जा रहा है कि एक घंटा का मतलब क्या, एक घंटा का मतलब यहां पर कितना 60 मिनट में कितना 8 बाल्टीन, ठीक है। आर के लिए कह रहा कितना है, तो 20 मिनट में 2 बाल्टीन, तो सभी नल को खोल दिया जाता है तो दो घंटे के बाद, तो 2 घंटे का मतलब क्या हुआ, दो घंटा का मतलब 120 मिनट, ठीक है। तो यहां पर देखिए 120 मिनट, समझिएगा 120 मिनट के बाद यदि टंकी, यदि एक बाल्टी में 10 लीटर पानी आता है तो टैंक की क्षमता ज्ञात करना है, टैंक की क्या करना है क्षमता, 2 घंटा में भर जाता है तो 2 घंटा तक यह भी काम करेगा, 2 घंटा का मतलब 120 काम कराना है, तो 24 मिनट में कितना 4 बाल्टीन भरता है, वो 24 मिनट में 4 बाल्टीन भरता है, तो 120 मिनट के मतलब कितना 500 गुना करना होगा, यहां पर कितना से गुना करना होगा 120 लाने के लिए कितना से 500 गुना करना होगा, तो इसमें भी 500 गुना कीजिएगा तो ये 20 बाल्टीन भरेगा, 120 लाने के लिए कितना से गुना दूध से, तो यहां पर भी दूध से मतलब कितना हो जाएगा 16 होगा ना, ये 60 मतलब 6 तो इसको भी 6 मतलब कितना हो गया 12 हो गया ना, मतलब 20 मिनट में 2 तो 120 मिनट लाने के लिए कितना से 6 से गुना, तो नीचे भी 6 से गुना, ठीक है, मतलब कितना 12, इसको जोड़ेंगे टोटल को जोड़ेंगे कितना बाल्टीन हो गया, तो 48 बाल्टीन हो गया, तो 48 बाल्टीन हो गया, तो एक बाल्टीन में 10 लीटर तो 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 480 लीटर, जो ऑप्शन कौन सा ए आपका बिल्कुल सही है, आया समझ में। तो इसी तरह से क्वेश्चन को आपको जल्दी में सोल्व करना है, आया बात समझ में, यहां पर समझिएगा कि 120 लाने के लिए कितना से गुना 5 से, ठीक है, जैसे कि आप एक एक नियम से भी निकाल सकते हैं कि 24 मिनट में कितना 4 बाल्टीन भरता है, तो 1 मिनट में 4/24, तो 120 मिनट में 120 से क्या होगा गुना, तो 12 से काटिएगा तो 2 आएगा, ये 10 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ गया, मतलब 20 आया था ना 20, उससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर जल्दी से इस तरह से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए 84 नंबर क्वेश्चन में
आपसे कहा जा रहा क्वेश्चन में कि 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा का केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनता है, एक ब्रीथ है, ठीक है, ये आपका जीवा है, ये जीवा है, ठीक है, यहां पर 8 सेंटीमीटर ये दिए रहा है, ये 60 डिग्री बन रहा है, तो ये दोनों तो त्रिज्या होता है, बराबर होता है, तो ये 60 है, तो ये भी कितना होगा, 60 है 60 होगा ना, ये भी 60 60 ही होगा, तो आपका ये अगर 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो समबाहु त्रिभुज तो ये भी बराबर होगा, तो ये 8 है, तो ये भी 8, ये भी 8, तो कहा जा रहा है कि वृत्त के त्रिज्या निकालना है, तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि गुणनफल में अंतिम अंक, तो 5 अगुने कितना 4, 20, मतलब 0 आ गया ना, तो इसका आंसर अंतिम में क्या आएगा, 0, मल्टीपल का केस है तो इमीडिएट पे 0 आ गया, तो मतलब क्या हो जाएगा, 0, इजी था ये। चलिए 89 नंबर में कहा जा रहा कि 20 वर्ष के बाद, ए का कहा जा रहा कि 20 वर्ष के बाद, ठीक है, पहले की आयु कितना, 10 वर्ष पहले की आयु, तो माइनस 10 पहले आयु के कितना है, 10 गुनी है, सोल्व कर लीजिए, ए प्लस कितना आ जाएगा, 20 इक्वल टू 10 ए माइनस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना, तो इसको इस साइड में भेजेंगे तो 120, इस साइड में भेजेंगे तो 9 ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120, तो ए इक्वल टू 120 बटा कितना 9, ये 3 आ गया, ये कितना हो जाएगा आपको 40 बटा कितना हो गया 3, तो 40 बटा 3 मतलब आपको कितना, ऑप्शन ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% वार्षिक दर से, दर दिया हुआ है कितना 5% और टाइम दे रहा है 15 वर्ष, ठीक है, कहा जा रहा कि इतना कम हो जाता है तो मूलधन कितना 100%, तो SI परसेंट कितना हो जाएगा, SI परसेंट इक्वल टू क्या होता है, तो SI परसेंट इक्वल टू R इंटू क्या होता है T, तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 75%, कितना आएगा 75%, तो कितना कम है इससे, कितना कम है, तो 25%, तो 25% के अकॉर्डिंग कितना कम कहा जाएगा 250, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 10, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा तो 1000, यही आपका आंसर है, ऑप्शन कौन सा, ए बिल्कुल सही होगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको हम लोग को सोल्व करना है, तो इसमें देखिए तो हम लोग को प्रॉपर्टी याद है कि साइन थीटा 1 बाई कॉस थीटा 2 या टेन थीटा 1 बाई कॉट थीटा 2 या सेक थीटा 1 बाई कॉसेक थीटा 2 इक्वल टू 1 कब होता है, जब जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे, है ना, तो इसका दोनों का सम करेंगे तो 90, मतलब वैल्यू कितना आ गया 1 का स्क्वायर प्लस इसको सम करेंगे तो 90, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 45, तो 1/2 स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 होगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2, तो ये कितना आएगा 2 माइनस कितना आ गया 2 माइनस कट करेंगे तो 2 मतलब डेट मींस क्या 0, ऑप्शन कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही है, क्लियर है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा कि धारा के विपरीत और धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने के लिए, दूरी एक निश्चित दूरी तय करने के लिए कहा जा रहा, निश्चित दूरी तय करने के लिए आपको क्रम से T1 T2 घंटे लगते हैं, तो धारा की गति y दिया गया है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें, ठीक है, तो देखिए आपको यहां पर धारा की चाल जो दिया गया है, ठीक है, तो यहां पर y दिया गया है किसका, धारा का, तो नाव का चाल मान लेते हैं कितना x, ठीक है, तो अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो x प्लस वाई
जुटता है दोनों का, तो जुटेंगे तो कितना समय लगेगा, धारा के विपरीत में, धारा के विपरीत में कहा जा रहा है T1 और धारा के दिशा में कितना T2 इक्वल टू विपरीत में जाएगा तो T1 लगेगा। ठीक है, इसी को जब हम लोग सोल्व करेंगे, तो हम लोग को जो आंसर जो आएगा, वो कौन सा आएगा, तो यहां पर x के वैल्यू जब निकालेंगे तो T1 प्लस कितना आएगा T2 बाई T1 माइनस T2 क्या आ जाएगा y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, B, बिल्कुल सही है, क्लियर है। तो इसी तरह से आपको टोटल क्वेश्चन हो गया, देख लेते हैं कि और क्वेश्चन है क्या। चलिए, इसमें का टोटल आपका सेट हो गया, तो सभी क्वेश्चन को आपको रिवीजन करते रहिए, इसी तरह से बनाते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।